अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अपना ख्याल रखा करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अच्छी तरह अपना टाइम गुजारें, अपना टाइम टेबल बना के रखें, उसके मुताबिक अपने जो है ना वो वर्किंग आप लोग किया करें। अब तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, फैमिली को भी टाइम दें लेकिन स्टडी को भी टाइम दें अच्छी तरह से। जी बेटा आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की पेज नंबर 86 है, आप लोग ओपन कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए तो कहता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के क्या होते हैं, हमेशा इवन होते हैं। हम लोगों ने देखा था ना बेटा, जब हम लोग करते थे क्वेश्चन, हम देखते थे कि जो हमारे पास इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो जो नंबर इधर आते थे हम फिर उधर नीचे फैक्टर्स लिखते थे। जैसे ये होता था तो ये देखिए ये क्या होता था, 2 की पावर 2, और ये हो जाता था 3 की पावर 2। तो ये देखिए प्राइम नंबर्स किस फॉर्म में होते थे, इवन नंबर्स की फॉर्म में, मतलब ये 2 और ये भी 2, इवन 2 इवन नंबर है ना। तो प्राइम नंबर हमेशा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इवन उनकी जो है वो तादाद होती है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 की ऑप्शन बनेगी ए। नेक्स्ट नंबर 2 देखें, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज। ये हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था बेटा और ये एमसीक्यू भी है। इवन नंबर का हमेशा स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का ऑड नंबर होता है। तो देखिए नंबर 2 में कहता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज, तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन ही होगा ना बेटा। तो नंबर 2 का ए है ऑप्शन। नंबर 3 देखिए कहता है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, तो अभी मैंने बताया इवन का इवन है तो ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर ऑड आएगा, तो इसकी ऑप्शन बी आ गई। देखिए ना आपके पास सिंपल एक बात, देखें 4 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर लें तो 16 आता है, ये भी एक इवन नंबर है। अब आपके पास 5 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर लें 25 आता है, तो ये भी ऑड नंबर है। ठीक है ना, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। नंबर 4 देखिए 2n+1 स्क्वायर है बेटा, 2n+1 स्क्वायर। बेटा हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a+b का स्क्वायर, वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये b का स्क्वायर इस तरह भी लिखा जा सकता है, मोस्टली बुक्स में इस तरह लिखा होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बेटा देखिए अगर मैं इसको a कह दूं और इसको b कह दूं तो इसके मुताबिक खोलते हैं पहले की वैल्यू का क्या आएगा, स्क्वायर 2n का स्क्वायर प्लस 2 ए, और फिर बी की वैल्यू, ए क्या है 2n मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 1 is 4 इनटू n, 4n प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो बेटा ऑप्शन देखिए आपकी बन रही है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 4 की बनेगी ऑप्शन बी। 5 का देखिए द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का ये जो सिंबल है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये क्रिस्टोफ आपके पास रोडोल्फ था, ऑप्शन ए क्रिस्टोफ रोडोल्फ ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। नंबर 6 देखिए द कांसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, ये था क्रिस्टोफ ने क्या किया था कि उसका स्क्वायर रूट का सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन स्क्वायर रूट का जो कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था वो हमारे पास था रेजोमेंटस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 6 का ऑप्शन बी। नंबर 7 देखें बेटा, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर वी मेक पेयर्स फ्रॉम डेसिमल पॉइंट। अच्छा बेटा आप लोगों ने जब स्क्वायर रूट फाइंड करना देखा था, अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर आता था जैसे 2, 3, 1.6424, तो हम क्या करते थे डेसिमल से पीछे वाले का हम करते थे राइट साइड से राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते थे, और डेसिमल का जो राइट पे होता था उसकी पेयरिंग करते थे लेफ्ट टू राइट। तो देखिए डेसिमल से पिछले पार्ट की क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 7 की ऑप्शन बी होगी, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट देखिए 8, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल वी मेक पेयर्स फ्रॉम डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल से राइट साइड पर हम क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करते थे, तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, ए, 8 की ऑप्शन ए, लेफ्ट टू राइट। नंबर 9 बेटा, द स्क्वायर ऑफ 2n का स्क्वायर। बेटा ये मैंने आपको जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब भी बताया था, कोई भी नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा इवन होता है। देखिए ना n की जगह पर, लेट्स सपोज आप रख लेते हैं n की जगह पर 3,
और ए का आप रख लेते हैं, ये ऑड नंबर है ना, आप कोई इवन नंबर रखना है, सिक्स रख लेते हैं। देखें 2 3 6, 2 6 12, देखें 2 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इवन नंबर आ गया, 2 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया फिर आंसर इवन आ गया, इट मीन्स ये एक इवन नंबर है। तो हमें कहता है कि इसका स्क्वेयर लें, इवन का स्क्वेयर क्या होता है, हमेशा इवन ही होता है ना बेटा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इवन का स्क्वेयर हमेशा इवन होता है, तो इसका फिर 2n का स्क्वेयर क्या होगा, इवन ही होगा, इट मीन ऑप्शन ए इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्क्वेयर ऑफ 2n + 1, अगर 2n में +1 कर दिया जाए बेटा, अगर इसमें +1 कर दिया, आप देखिए मैं इसमें इधर इसी एग्जांपल में कहता हूँ +1 और +1, अब देखिएगा 2 3 6 6 + 1 7, 2 × 6 12, 12 + 1 क्या हो जाएगा 13। देखिए अब जिस भी ओड से मल्टीप्लाई किया या इवन से किया, आंसर हमेशा क्या आया, ओड नंबर आया। अगर किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए, इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए तो वो ओड नंबर बन जाता है। तो ओड नंबर का स्क्वेयर क्या आ रहा है हमारे पास, ओड आ रहा है, इट मींस हमारी ऑप्शन बनेगी बी। इवन नंबर का इवन आएगा ऑप्शन ए, ओड नंबर का ओड आएगा ऑप्शन बी। जी बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। बेटा आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट करेगी कि अपने घर वालों से कहिएगा कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर की 2 एक्सरसाइज देना बेटा, चाहे एक एक एक्सरसाइज करके चाहे दोनों एक्सरसाइज का टेस्ट दें घर में, अपनी प्रैक्टिस करें जितनी हो सकता है बेटा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।